हरियाणा बीजेपी संगठन आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में है। हरियाणा के बीजेपी संगठन के आला नेता लगातार जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से आगामी चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत के गांव झिंझोली में स्थित साधना केंद्र पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की रिपोर्ट से जुड़ी लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कार्यकर्ताओं से अपील की, जिससे पिछले चुनाव में जो वोटर बीजेपी से नहीं जुड़ पाए वो भी जुड़ सके। वहीं हरियाणा कैबिनेट की पूर्व मंत्री कविता जैन और सोनीपत के जिलाध्यक्ष तीर्थ राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अल्पकालीन विस्तारक प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करने पहुंचे और कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को लेकर मूल मंत्र दिया। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी कार्यकर्ताओं से पूछा, तो जितने भी योजनाएं थी सभी कार्यकर्ताओं ने एक एक करके जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। तो निसंदेह जब कार्यकर्ता बूथों पर जाएंगे और लोगों के बीच में सकारात्मक बातों की चर्चा करेंगे और निसंदेह इस प्रदेश की जनता ये समझेगी कि 9 साल के दौरान केंद्र और प्रदेश ने जो काम किए हैं वो पहले कहीं नहीं हुए, कभी नहीं हुए। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सोनीपत जो झंझोली केंद्र है, साधना केंद्र है, इसमें हमारे लोकसभा के अल्पकालिक विस्तारक हैं और इसमें हमने 376 अल्पकालिक विस्तारक निकाले हैं जो हर शक्ति केंद्र पर जाएंगे और एक शक्ति केंद्र को 4-5 बूथों तक हमने बांटा है। इस पर हर विस्तार के जो केंद्र और प्रदेश सरकार की नीति यहाँ जो योजना है उनको जन जन तक लेकर जाएंगे। जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क होगा और ये जो 2024 में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारा मिशन। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को एक एक योजना को विस्तार रूप से बताया। वहीं इंडिया अलायंस पर बोलते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने कहा कि ये गठबंधन नहीं बल्कि मौका परस्तों का गठबंधन है। सूर्य समाचार के लिए सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट।